मुरादाबाद से चौंका देने वाली बात सामने आई है, जहां पीडब्ल्यूडी कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर गलत काम करने का आरोप लगाने वाली पीड़िता ब्यूटी पार्लर संचालिका आज अपने प्रेमी पीडब्ल्यूडी कर्मचारी से मिलने उसके कार्यालय पहुंची, मगर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी कार्यालय में नहीं मिला। दरअसल पीड़िता अपने अधिवक्ता के साथ आज अपने प्रेमी से मिलने उनके कार्यालय पीडब्ल्यूडी पहुंची, मगर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं था। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़िता के अधिवक्ता अनुपम सिंह ने कहा कि कुंदनपुर में ढक्का रोड पर इनका ब्यूटी पार्लर है और ब्यूटी पार्लर के ही ठीक बराबर में गौरव नाम का व्यक्ति है जो कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय में बाबू है। उस लड़की के मुताबिक जब ये लड़की ब्यूटी पार्लर बंद करके घर जाती है तो वो इसके पीछे जाता है। कई बार लड़की ने टोका भी और रोका भी कि आप पीछा क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पहले मेरे से शादी के लिए बोल के उन्होंने अब मुझसे मना कर दिया, गौरव वर्मा ने। ऑफिस में जॉब ही करते हैं, वो भी अपने पापा की जगह है पीडब्ल्यूडी में। पहले तो बोल दिया था शादी के लिए, अब मना कर दिया। कल मैंने बात भी करी थी तो यहाँ से लोग बारों ने थोड़ा बहुत मुझे समझाया, हड़का रहे थे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, और आज मैंने कल बोला था मैं कल आऊँगी तो आज आई नहीं है। नहीं आया? नहीं, अभी मैंने खुद बात की थी तो उन्होंने बोला मुझसे कि मैं बाहर हूँ। कल करा तो गौरव नहीं था मुझे कॉल, पर किसी ने और ने भी बात की थी, वो मुझे समझा रहे थे ऐसा मत करो, यह है वो है, गलत बात है। धमकी कौन दे रहा था, कौन था, कौन था? अभी ये नहीं पता मुझे कौन थे, नाम नहीं बताया उन्होंने मुझे। नंबर तो क्या, क्या रिकॉर्डिंग? वो तो गौरव रिकॉर्डिंग है भैया के पास है। क्या रिकॉर्डिंग है, क्या बोला आपने? मैंने उनसे बोला था कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर, मुझे अफसोस है इस वाली बात का। तो फिर बात को वो दूसरे भैया समझाने लगे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, बैठ के बात कर लो, यहाँ पे आ जाओ मिलने के लिए। तभी तो आइए आज। हाँ, तो आज लाइन पार के गौरव वर्मा। गौरव क्या है, क्या कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या काम करते? बाबू हैं शायद वो, ऐसे तो यहीं पे हैं अभी। ये तो मैंने मुझे, मैं आई भी नहीं पीडब्ल्यूडी में। इनके यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में किसी अधिकारी से आपने बातचीत करी? अभी तो नहीं, अभी आई हूँ मैं। क्या चाहती हूँ? मैं तो इंसाफ ही चाहती हूँ, या शादी करें मेरे से या जेल जाए। शादी नहीं कर रहा, मना कर रहा। हाँ, शादी के लिए मना कर रहे हैं, पहले बोला शादी के लिए, आज मना कर रहे हैं शादी के लिए। क्या कह रहा है? कह रहा नहीं करूँगा शादी में। एसएसपी साहब मिले थे कल, तो क्या बातचीत हुई? वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ था, सुनवाई नहीं हुई। शादी करें मुझसे तो मेरे साथ मेरी जिंदगी खराब करी है, तो शादी करें मुझसे या तो जेल जाएं। क्या लगता है आपको पुलिस इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस सही कार्रवाई कर रही है, एसएसपी साहब ने जो है आश्वासन दिया। बता बेटा, बता कर रही है। दरोगा जी का फोन आया था, दरोगा जी का कॉल आया था मेरे पास मंडी समिति से, तो वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि वो वाली चौकी दूसरी चौकी लगती है आपकी साइट में, हमारी नहीं लगती है। दोबारा से तो मेरे पास फ़ोन नहीं आया, बस मिला के नहीं हुई है। लड़की उसके जाल में फंस गई और वो लड़की को नैनीताल और यहाँ के ही कई होटल्स में लेकर गया। इसी के चलते अब लड़की का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो अब इससे शादी करे, क्योंकि उसने शादी की बात लड़की से कही थी और अब वो शादी से इनकार कर रहा है और कहता है कि ये चीजें तो लड़का लड़की में होती ही रहती हैं। अब वो लोग लड़की को फोन पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी शिकायत वापस ले, और इसी क्रम में आज उसने लड़की को फोन कर यहाँ बुलाया था, मगर वो यहाँ से भाग गया। ये एक्चुअली कुंदनपुर में जो है इसका ब्यूटी पार्लर है ढक्का रोड पे, और ब्यूटी पार्लर के ही ठीक बराबर में गौरव नाम का व्यक्ति है जो कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बाबू है, जैसा कि ये लड़की बताती है। और इससे पहले तो वो इसके ब्यूटी पार्लर जब बंद किया करती थी तो उसके पीछे आता था, और कई बार इसने टोका भी, बोले आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? तो बोले मैं तो, आप मेरे को अच्छी लगती हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी बातों में आ गई है, और बातों में आके बोले ठीक है, बोले मेरे मम्मी पापा से आके मिलो और अपने मम्मी पापा को लेके आओ, तब ऐसी बातें होती हैं। खैर, ये करते करते जो है ये उसके जाल में फंस गई, उसे इसे नैनीताल घुमाने ले गया और यहाँ के भी कई होटलों में लेके गया है, जो कि ये खुद जाके बेचारी बता देगी। अब ये कहती है, इसका मेन मोटिव यही है कि वो मेरे से शादी करे, क्योंकि उसने शादी ही कही थी कि बोले मैं तुमसे शादी करूँगा,
और तुम्हें जो है अर्धांगनी बना के रखूंगा। लेकिन कोई भी बात अब जो है वो कहता है कि बोले ये तो लड़का लड़की में होती रहती हैं चीज़ें, और बोले अब मैं शादी नहीं कर सकता तुम्हारे से। रिकॉर्डिंग में पता नहीं इन्हीं के किसी विभाग से, विभाग के जो इनके साथ के होंगे कुलीग, उनका फ़ोन आया, वो इसे समझा रहे थे कि बोले भाई डॉली बोले ऐसा नहीं करते हैं, और बोले बैठ के बात कर लेते हैं ये वो। तो ये बोली कि बोले इतने दिनों से जब मैं यहाँ आपसे आपके पास आ रही थी शादी के लिए कहने, तब आप लोगों ने बैठ के बात क्यों नहीं करी। मतलब ऐसा लग रहा था वो इसको प्रेस्टाइज कर रहे हैं कि दबाव दे रहे हैं कि ये मुकदमा वापस ले ले। बिल्कुल 100% मिले हुए हैं, कर्मचारी नहीं, मैं अधिकारियों के लिए कहता हूँ। नहीं मिले ही नहीं, इन्होंने फोन मिलाया तो कह रहा है कि बोले मैं बाहर गया हुआ हूँ और बाद में मिलूंगा। हाँ, यहाँ से यहाँ भी नहीं आए, पता नहीं वो अभी इसके मोबाइल पे ये किया है कि बोले मेरे विभाग से ही फोन आया है, मुझे पता है कि तुम मेरे PWD गेस्ट हाउस में ही खड़ी हो। हाँ जी, नहीं पुलिस का अपना कहना बिल्कुल सही है कि अगर लड़की के साथ गलत हुआ है तो उसका जो है उसे दंड मिलेगा, लड़के को 110% मिलेगा। इस बारे में आई डोंट नो हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अभी लड़की के पास इस तरीके की कोई कॉल नहीं आई है कि आप अपनी आके FIR ले जाइए या अपने बयान दीजिए या 161 के बयान दीजिए, इस तरीके की कोई कॉल नहीं आई है। तो PWD में आपने किसी अधिकारी से फोन कर करा? नहीं, हम तो अभी आए थे, इसने सबसे पहले गौरव को ही फ़ोन मिलाया। भाई हम तो जानते नहीं है किसी को, उसने कहा था बोले कल आके मिलना, ये आई और वो मिला ही नहीं यहाँ पे। थैंक यू। आपको बता दें कि कल पीड़िता ने SSP कार्यालय जाकर शिकायत की थी, मगर अभी तक पीड़िता को कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। लड़के का साफ कहना है कि या तो वो लड़का शादी करे या फिर जेल जाए। अब देखना होगा कि आखिर कब तक पीड़िता को न्याय मिलता है।